गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.3। तो हमारे पास 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2/7 इक्वल्स टू 8/ब्लैंक। तो हमें अब चेक करना है कि जो ये ब्लैंक है इसमें क्या है। इसके दो तरीके रहते हैं। हम पहले एक लॉन्ग मेथड है सिंपल सा वो पढ़ेंगे, फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे निकल सकता है। पहले जो भी आमने सामने या डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों बराबर है वो देखेंगे। तो 2 और 8 है, 8 बिगर टर्म है उसको डिवाइड कर दो स्मॉलर टर्म से, आंसर आ गया 4। हमें पता लग गया कि जो 8 आ रहा है वो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। अगर ऐसे 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 8 आता है। तो मुझे अब 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 8 से, तो 28 आ गया। तो इसी के बाद 2/7 जब राइट करूंगा तो 8/28 सिंपल आंसर आ गया। हमने क्या किया दोबारा सुन लो, इन जो भी हमने सामने होंगे उनको डिवाइड किया, कर दिया डिवाइड, 4 आंसर आया। फिर 2 को 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर हुए 7 को भी किसे करना है 4 से, तब भी क्या आएगा तो 28 आया। फर्स्ट पे 8 आता है दूसरे पे 28 आता है। तो जो नेक्स्ट है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। B पार्ट है 5/10, 5/10 इक्वल्स टू, सॉरी 5/8, 5/8 इक्वल्स टू 10/ब्लैंक। तो दोबारा से क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा, अब 10 आने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 10, तो 8 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 16। हमारे पास सिंपल आंसर आ गया 5/8 इक्वल टू 10/16। क्वेश्चन जो थर्ड का बी पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम जो सी पार्ट है वो कर रहे हैं। हमारे पास सी पार्ट रहता है इसका 3/5 इक्वल टू 20। तो अब ये 5 था, अब डिनोमिनेटर पे है तो डिनोमिनेटर से डिवाइड, ऐसे 5/4 20 होता है, तो 5 × 4 क्या 20। अब 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12, आंसर आ गया हमारे पास 3/5 इक्वल टू 12/20। तो हमारा क्वेश्चन यही पे ही खत्म होता है। इसके बाकी के दो पार्ट बचते हैं डी और ए, वो होमवर्क रहेगा। इसके दो पार्ट बचते हैं डी और ई पार्ट, डी पार्ट है और ई पार्ट। डी पार्ट में 45/60 इक्वल टू 15/ब्लैंक है, 18/24 इक्वल टू ब्लैंक 4। तो ये दो पार्ट है, इसमें हम अब 45 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, उसे निकाल लेंगे, और 18 24 को 24 डिवाइड बाय 4 वैसे आंसर आ जाएगा 18 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। थैंक यू।